जो कि प्रॉब्ली हमने भी नहीं सोचा था। कुछ अगर मैं एग्जांपल्स दूं, देखिए सीसीटीवी और पैनिक बटन भी वुमेन सेफ्टी को लेके दिल्ली सरकार ने हर एक अपनी बस में लगाए, लेकिन जो काम बस मार्शल कर सकता है वो काम सीसीटीवी या पैनिक बटन नहीं कर सकता। सीसीटीवी का तो पोस्ट, अगर इंसिडेंट अगर उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो उसमें मदद कर सकता है, क्योंकि वो उसमें जो भी एक्टिविटी है, जो भी इंसिडेंट है वो कैप्चर हो सकता है। आपको याद होगा कि अरुण कुमार हमारे एक बस मार्शल थे, और 20 नवंबर 2019 में उसने एक 4 साल की बच्ची को किडनैप होने से बचाया, क्योंकि उसको लगा कि वो बच्ची लगातार रो रही थी। तो अगर वो पेरेंट के साथ में है तो बच्ची उस प्रकार से ना तो घबराएगी और ना वो रोएगी। उसका वो बिहेवियर देख के उस बस मार्शल ने बहुत समझदारी के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ, अरुण कुमार जो हमारे बस मार्शल थे, उन्होंने उस बच्ची को बचाया किडनैप होने से। पुलिस को उसको हैंड ओवर किया। सिमिलरली 2019 में ही एक हमारे बस मार्शल थे मनीष कुमार, उसने मॉर्निंग शिफ्ट में एक नोटिस किया कि पैसेंजर जो है उसने टिकट नहीं लिया, और उसका जो बिहेवियर है वो बड़ा सस्पिशियस था। उसने उस बस मार्शल ने उस पैसेंजर को जब पूछा और टोका, और उसके जब बैग की तलाशी ली तो उसमें 4 ATM स्वाइप मशीन्स मिली और लगभग 5 मोबाइल फ़ोन वो मिले। उसको भी पुलिस को हैंड ओवर किया। सिमिलरली हमारे एक बस मार्शल थे संतोष, उसने रेड हैंडेड एक चोर को पकड़ा, मोबाइल फ़ोन जो है चोरी करके वो भाग रहे थे। और उसी प्रकार से लगातार, इसी प्रकार से 2019 से लेके अब तक बस मार्शल्स ने लगातार बहुत अच्छा काम किया, और हर जगह से उनको अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट सीएम साहब खुद जब बस मार्शल ने अच्छा काम किया तो उस बस मार्शल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी उनका हौसला अफजाई की। और अभी बिल्कुल रिसेंट इंसिडेंट 2023 का है, मार्शल संदीप चिकारा, जिसने एक जो फीमेल पैसेंजर को कुछ जो तंग कर रखे उसको पकड़ा। तो ये कुछ इंसिडेंट्स आपके सामने मैंने रखे हैं। तमाम बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो उन्होंने बेहतरीन काम किया है बस मार्शल्स ने। कुछ समय से सीएम साहब के बार बार ये आदेश रहे हैं कि वे बस मार्शल्स जो हैं ये बिल्कुल रहेंगे, इनको किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन कुछ समय से आप सभी को पता है कि बस मार्शल्स को लेके अलग अलग डिपार्टमेंट से सामने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। उनकी सैलरी जो है वो काफ़ी महीनों से फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज़ नहीं की गई है, और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के लगातार ये ऑर्डर हैं कि बस मार्शल्स को नहीं हटाया जाएगा। मैंने भी जितनी बार भी मेरे सामने ये विषय आया बस मार्शल्स का, मैंने बार बार ये फाइल पे कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को ये आदेश दिए हैं कि बस मार्शल्स जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिसी और स्कीम है, क्योंकि इसमें वुमेन सेफ्टी का जो सेंसिटिव इशू है ये जुड़ा हुआ है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑब्जेक्शन आया कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं जो बस मार्शल्स की तरह काम कर रहे हैं, ये एक नॉन डिज़ास्टर काम है, और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स सिर्फ डिज़ास्टर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उसमें फिर दोबारा सीएम साहब के आदेश थे कि भी अगर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एंगेज नहीं हो सकते तो इन्हीं बस मार्शल्स को आप होमगार्ड के तहत इनको लगाया जाए, और यही प्रपोजल जो है एलजी साहब को भेजा गया। कल माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एज मिनिस्टर होम मुझे ही आदेश दिए हैं कि जितने भी बस मार्शल्स हैं इन्हीं को एज होमगार्ड जो है वो डिप्लॉय किया जाए। इससे दो तीन फायदे हैं कि जो बस मार्शल इतने सालों से काम कर रहे हैं ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंशियली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको जो रोज़गार मिला है वो रोज़गार मिलता रहेगा, नंबर वन। नंबर टू, चूंकि बस मार्शल्स के उस पर ये काम करते आ रहे हैं तो ये पूरा जो भी बस मार्शल्स की ड्यूटीज़ हैं, पैसेंजर को किस प्रकार से डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है वो पूरा सिस्टम ये समझते हैं, किस प्रकार से कब रिएक्ट करना है,
वो ये समझते हैं। तो यही बस मार्शल्स जो हैं होम गार्ड की तरह अगर डिप्लॉय होंगे तो ट्रेंड जो मैन पावर है वो सरकार को मिलेगी, डिपार्टमेंट को मिलेगी, और इनकी नौकरी भी जो है चलती रहेगी। तो ये आदेश जो सीएम साहब के हैं, आई विल बी इशूइंग डायरेक्शंस टू होम सेक्रेटरी कि उसी प्रकार से, ताकि जी इतनी भारी संख्या में जो बस मार्शल्स हैं ये काम करते रहें। क्योंकि एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हर एक बस मार्शल जो है, जो जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, उनके साथ खड़ी है, और पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि यही बस मार्शल जो हैं होमगार्ड की तरह डिप्लॉय हों और जो पैसेंजर्स को इतना बढ़िया एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बस में मिलता है उसी तरीके से काम करते रहें। सर, एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को पद से नहीं हटाया जाए, वही सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो है मार्शल भी हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। एलजी सचिवालय का ये कहना है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटाने का फैसला दिल्ली सरकार का ही है, जो लिखित रूप में भेजा गया था एलजी हाउस को, और मार्शल्स को और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को होम गार्ड के रूप में नियुक्त करने का जो आदेश है या कि सुझाव जो है वो एलजी की तरफ से आया था। देखिए ये बिल्कुल गलत है। आप जितने भी अगर सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो सीएम साहब ने कहीं भी ये नहीं कहा कि जो बस मार्शल्स हैं उनको हटाया जाए, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उनको हटाया जाए। बल्कि जो नोट एलजी साहब को गया तो उसमें तो साफ साफ लिखा है, तीन तीन चीज़ें हमने कही। नंबर वन, बस मार्शल्स की जो पेंडिंग सैलरी है उसको तुरंत रिलीज़ किया जाए। अगर किसी भी डिपार्टमेंट को ये ऑब्जेक्शन है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो है वो नॉन डिज़ास्टर वर्क में एज अ बस मार्शल काम नहीं कर सकते, तो फिर उसी संख्या में होम गार्ड्स को डिप्लॉय किया जाए। और जब तक होम गार्ड अगर डिप्लॉय नहीं होते उस संख्या में, तो जो यही बस मार्शल्स हैं ये कंटिन्यू रहें, ताकि ये जो स्कीम या पॉलिसी है डिसकंटिन्यू ना हो। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सीएम साहब ने कहा है कि इन बस मार्शल्स को हटाया जाए। और ये भी सुझाव जो है सीएम साहब का है कि जो बस मार्शल्स हैं, क्योंकि ट्रेंड मैन पावर है और ट्रेंड मैन पावर मिलना बड़ा मुश्किल होता है, एज अ होम गार्ड इनको डिप्लॉय किया जाए, और यही मेरे आदेश सेक्रेटरी होम को दिए जाएंगे। सर, 10,000 ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटाने की बात कहाँ से आई थी? किसका ये फैसला था? कौन लिखित रूप में दिया था कि इनको हटाया जाए? ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, ये तो फाइल पे है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये ऑब्जेक्शन कुछ टाइम से लेना स्टार्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इसके पीछे जो सोच है कि इतना बढ़िया काम जो दिल्ली सरकार में माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी द्वारा हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोका जाए, पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस हो। देखिए वुमेन सेफ्टी इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक इशू, इसका कोई वन पॉइंट फॉर्मूला जो है वो नहीं होता कि भाई इससे वुमेन सेफ्टी होगी। इसीलिए अगर बसों में वुमेन सेफ्टी की बात करें तो बस मार्शल्स को डिप्लॉय किया गया, साथ में सीसीटीवी लगाए गए, पैनिक बटन लगाए गए, हर एक बस में जीपीएस लगाया गया, उसको इंटीग्रेट किया गया। तो मैं दोबारा ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एज बस मार्शल्स काम कर रहे हैं इनको हटाया जाए। रादर इसके बार बार हमने ये फाइल पे कहा है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तो ये क्लियर कट ऑब्जेक्शन है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो हैं वो बस मार्शल्स की तरह कंटिन्यू नहीं हो सकते। सर, कितने बस मार्शल्स की जरूरत है दिल्ली को? बसों की संख्या कितनी है और उसमें क्या ये सारे 10,000 वॉलंटियर्स खप जाएंगे क्या? कितने की नौकरी जाने वाली है, कितने की बच जाएगी? देखिए हर एक शिफ्ट में एक बस मार्शल है, तो फिलहाल हमारे पास 7,000 बसें अगर माने तो इसकी डबल शिफ्ट ले लीजिए तो 14,000 हो जाती हैं। तो अराउंड 14,000 बस मार्शल्स की जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को आवश्यकता है। सर, और बस मार्शल भी भर्ती किए जाएंगे फिर जरूरत को देखते हुए? नहीं, हमारा तो ये स्टैंड है, ये तो सीएम अरविंद केजरीवाल का बार बार ये स्टैंड बड़ा क्लियर है कि जितने भी बसें होंगी उसमें हर एक शिफ्ट में एक बस मार्शल होगा। लेकिन सर, एक समस्या ये है कि ठीक है इनकी नौकरी तो बहाल हो गई, लेकिन जो सैलरी नहीं मिल पा रही है, जो 5 महीने से सैलरी बैकलॉग चल रहा है, वो कब तक मिलनी शुरू हो जाएगी? इसको लेकर क्या कुछ आगे की बातचीत है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हुई हो या
किस तरीके से उनकी सैलरी मिलेगी? नहीं, इसमें तो देखिए, इस इशू पे एज मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट एंड अलोंग विद मिनिस्टर रेवेन्यू जॉइंट मीटिंग की गई थी, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी थे, तमाम और अधिकारी भी थे। वहाँ भी हमने बार बार ये देखा कि दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी जो है वक्त पे समय पे मिलनी चाहिए। क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जितने बस मार्शल्स हैं ये कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं है, दे कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, जिनको अपना घर भी चलाना है, लोगों को किराए पे रह रहे हैं, किराया भी देना है, बच्चे की पढ़ रहे हैं तो स्कूल फीस भी देना है। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, ये बिल्कुल इलीगल है कि बार बार आदेश देने के बाद ये कहीं ना कहीं ये क्लियरली शो करता है कि जो अच्छा काम हो रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उसको कहीं ना कहीं रोकने की, उसको धीमा करने की और कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने की जो है ये साजिश है। सर, कल सरकार की तरफ से एक खबर हम लोगों को आई थी कि अगर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटाया जाएगा तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। क्या आप लोग इस स्टैंड पे कायम हैं कि अभी भी जाएंगे कोर्ट? और एलजी हाउस ने कहा है कि क्या अपने सीएम के खिलाफ जाएंगे? क्या सीएम का ही ये फैसला? नहीं, ये सीएम का मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये सीएम साहब का आदेश नहीं है कि जो बस मार्शल्स काम कर रहे हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी हम खटखटाएंगे। थैंक यू।